हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल और नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा और मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, अगर आप SSC एस्पिरेंट हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपने Phase 8/2020 का एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्यों बिकॉज आने वाले हर नोटिफिकेशन का आप सबसे पहले नोटिफाई करने का प्रयास करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। Phase 8/2020 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, हायर एग्जामिनेशन 10+2 लेवल पोस्ट्स, ये है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, ये है आपका नंबर 15/3/2019 RHQ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देयर बाय शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी। आपका नेक्स्ट एग्जाम, आपका डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं दोस्तों। इसमें आपको नेक्स्ट स्किल जो टेस्ट होगा वो आपके, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट रीजनल सेंटर भेजना, कितना भेजना, कैसे भेजना, कैसे डॉक्यूमेंट नती करना, आपको बने रहे मेरे साथ पूरे वीडियो में अंत तक, मैं आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल पोस्ट अंडर Phase 8/2020 सेलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म 6/2022, 10/2020 एंड 14/2020 इन बिहार स्टेट एट वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री। अराउंड 2,41,415 नंबर्स ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल पोस्ट। मार्क्स ऑब्टेन, मार्क स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर पैरा 13.3 ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका नोटिफिकेशन का, वहां से आप और इसका चेक कर सकते हैं। पैरा 13.3 मेन काम की हमारी बात है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, आप अपना कैंडिडेट अपना चेक कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके जितना जल्दी हो सके रीजनल सेंटर पर भेजना है। कितना डॉक्यूमेंट भेजना है, कैसे भेजना है, बने रहिए मेरे साथ। Normalized marks have been used for fixing cut-off marks to qualify candidates for the next stage of scrutiny. Representations received from candidates regarding tentative answer keys were carefully examined and answer keys were suitably modified wherever required and finalized thereafter. The final answer keys have been used for evaluation of performance of candidates in the examination. 17.8 of the notice of the examination, जो मैं आपको description में link दूंगा, candidates scoring minimum marks in the computer based examination as given below have been considered eligible for shortlisting to the next stage for scrutiny. Unreserved 35% 70 marks गए हैं, OBC या economic or weaker section के लिए 30% मतलब 60 marks गए हैं दोस्तों, all other reserved categories 25% 50 marks गए हैं। As per recruitment procedures mentioned as para 17.9 of the notice of above the mentioned examination, 2684 candidates have been shortlisted for next stage of examination based on normalized score. Dosto, 241,450 में से only आपका पास किया गया ना 2,684 and merit of the candidates in the computer based examination in the ratio of 1:20 and 1:10. Category wise breakup and the candidates were listed in the computer based examination for the next stage of scrutiny as follows. So the higher secondary education ke liye SC ka gaya 200, ST ka gaya 80, OBC ke liye gaya 559, EWS ke liye gaya 140, unreserved ke liye gaya 1640, ex-servicemen ke liye NA hai not applicable, OH ke liye 49, HH ke liye 16, visual handicapped NA hai, PWD NA hai. टोटल आपका 2684 का ये पूरा ब्रेकअप आप देख सकते हैं। पोस्ट कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ देखें, डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स डिसक्वालिफाइड अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल, सो पोस्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल पोस्ट एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट आर गिवन एनेक्सर 1। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी एज पर एनेक्सर 1 आर
required to submit a copy of all the supporting documents. So दोस्तों ध्यान देना, all the supporting documents self attested होना चाहिए in respect of educational qualification, experience, category, age relaxation as etc as applicable in hard copy along with the print out of the online application form to the respective region, sub-region office to which the post category belongs to by 30th April 2021 by speed post only. जी हाँ दोस्तों, 30th April 2021, today is 12 April 2021, only आपके पास 18 days ही remaining है. दोस्तों कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके आज या कल में आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करें. कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ. द कैंडिडेट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल पोस्ट एंड पोस्ट कैटेगरी एंड टॉप ऑफ द एनवेलप वाइल सेंडिंग द डॉक्यूमेंट. कहने का मीन्स ये है दोस्तों कि आपको जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसके एनवेलप के ऊपर स्पीड पोस्ट लिखना है, फिर उसमें सब्जेक्ट लिखना. सब्जेक्ट क्यों आप लिखोगे? हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल पोस्ट एंड पोस्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था वो आपको उसमें मेंशन करना है. फिर आपको नीचे लिखना है टू, एड्रेस लिखना है पूरा रीजनल सेंटर का. रीजनल सेंटर का एड्रेस आपको पीडीएफ के लास्ट में मिलेगा. वहाँ रीजनल सेंटर का एड्रेस भरने के बाद आपका फॉर्म एड्रेस का लिखना है. फॉर्म आपका फुल एड्रेस होना चाहिए विद आपका कैंडिडेचर्स, रोल नंबर, सिग्नेचर, आपका सब कुछ उसमें फॉर्म में डाल दीजिए. आपका मोबाइल नंबर भी उसमें डालना है. दोस्तों 9 point ये बोलता है, इट मे बी नोटेड दैट इफ ए कैंडिडेट हैड अप्लाइड फॉर 3 कैटेगरीज फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स NR 13120, ER 10720, WR 1120, देन ही और सी हैज़ टू सबमिट हिज हर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन हार्ड कॉपी टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट SSC SNR पोस्ट कैटेगरी ER पोस्ट कैटेगरी नंबर WR 1120. दोस्तों कहने का मीनिंग ये है, अगर आपने 3 रीजनल सेंटर से अलग अलग अप्लाई किया है, 3 कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, तो आपको तीनों रीजनल सेंटर पे विदाउट एनी टाइम, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट डाउट, आपको तीनों रीजनल सेंटर पे अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजना है. ऐसा नहीं कि आपने एक, जैसे नॉर्थ रीजन से आपने एक रीजन से 3 कैटेगरी के लिए अप्लाई किया और आप तीनों में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप एक ही डॉक्यूमेंट, एक वन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना है. आपको चाहे रीजन एक हो या 3 रीजनल हो, आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट का सेट बनाना है, अलग अलग एनवलप बनाना है, अलग अलग स्पीड पोस्ट करना है. सो नेक्स्ट, इफ़ ए कैंडिडेट हैज अप्लाइड 2 or more कैटेगरीज पोस्ट ऑफ 1 रीजनल ऑफिस, फॉर एग्जांपल अप्लाई 2 कैटेगरीज नेमली NR 10420 एंड NR 10920, देन ही सी हैज़ टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन हार्ड कॉपी बाई स्पीड पोस्ट टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस SSC NR सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी पोस्ट इज 1 सेट डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्ट NR 1 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट. दोस्तों जो मैंने ऊपर बताया वही है, अगर आपके रीजनल सेंटर भी अलग हैं तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग डॉक्यूमेंट भेजिए. अगर आपका रीजनल सेंटर एक है और आपने तीन कैटेगरी उसी रीजनल सेंटर से भरी, तब भी आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजना है. ये मैटर नहीं करता कि आपका रीजनल सेंटर एक ही कैटेगरी, एक ही रीजनल सेंटर से भरा है या 2 सेंटर से भरा है या 3 सेंटर से भरा है, आपको सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजना है. सो नोट, इफ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन द हार्ड कॉपी इज नॉट इश्यूड इन द रेस्पेक्टिव रीजनल सब रीजनल ऑफिस बाय 30th अप्रैल, दोस्तों नोट करना 30th अप्रैल लास्ट डेट है, कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड सीनियरिटी एंड फर्दर स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, द कमीशन शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनी पोस्टल डिले. क्लियरली बोल दिया दोस्तों, पोस्टल डिले का वो कंसिडर नहीं करेंगे. कोविड चल रहा था, मेल नहीं कर पाया, ये नहीं, ये सब कोई उसका बहाना नहीं चलेगा, आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे. इसलिए दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए और उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए. द एड्रेसेस ऑफ द रीजनल सेंटर नीचे दे रखा है. 2 कैंडिडेट्स हैविंग रोल नंबर, ये जो दे रखे हैं उनका रिजल्ट रोक लिया गया है और उनको डिवाइड कर दिया गया है 5081009667 7083100691 एनी रीजन से. रीजन मेंशन नहीं किया दोस्तों. रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, इन द इवेंट ऑफ द टाई इन स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सच केसेज हैव बीन रिजोल्व बाई अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया वन आफ्टर अनदर टिल द टाई इज रिजोल्व. टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मार्क्स इन पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मार्क पार्ट बी इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर कैंडिडेट प्लेस एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम्स स्टार्टिंग विद द नेम.
Skill test, wherever prescribed for any category of the post, will be conducted from amongst the shortlisted candidate who hard copies of document are issued and found order at scrutiny stage by the regional sub of regional offices and commission due to intimation in advance will be given by the respective regional sub regional offices to the candidate through their website. दोस्तों स्किल टेस्ट का जो आपका नेक्स्ट जो आएगा आपके पास आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसके बाद आपका सेपरेट जो रीजनल सेंटर के साइट पे ही आपको अपना नेक्स्ट स्टेज वेन्यू आपको मिलेगा और डेट और वेन्यू आपको वहाँ से मिलेगा. इनकेस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्क्रूनिटी डॉक्यूमेंट डीवी कमीशन ऑब्जर्व दैट द वैकेंसीज एंड पोस्ट नॉट गेटिंग फिल्ड अप कम्प्लीटली एंड एडिशनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी कॉल्ड ओनली फॉर वन मोर टाइम एट द डिस्क्रिशन of the commission for filling up number of vacancy not getting filled up in the ratio 120 and 1 for vacancy up to 5 subject availability of suitable candidate and 1:10 for vacancies more than 5 subject to minimum 100 candidates. दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उनको रेशियो जो 1:10 और 1:10 है अगर इनसे नहीं भरा गया अगर फिल वैकेंसी फिलअप नहीं होती तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट जिसकी वेटिंग लिस्ट में है उनको बुलाया जाएगा. All qualified candidates found clear at the scrutiny stage for particular category of post will be called for document where DB के लिए बुलाया जाएगा by regional offices, regional of center पे बुलाया where the candidate has appeared for computer based examination as per his or her opted center. वो वहीं बुलाया जाएगा कहाँ पे जहाँ पे आपने एग्जाम दिया है CBE computer based exam जहाँ दिया and the post category belongs to accordingly. Admission certificate of document verification will be issued by the region only. Marks of the candidate will not be disclosed at this stage. The candidature of the shortlisted candidates is provisional. Next, the four further stages of recruitment. Candidates may visit the website of the concerned regional या सब रीजनल offices regularly. आपको वहाँ से regularly आपको करना है. दोस्तों ये दो annexure 1. दोस्तों इसके मैं फर्स्ट लाइन पढ़ लेता हूँ उसके बाद आप देख लीजिए उसका रीजन वाइज कितना कट ऑफ रहा कितने कैंडिडेट्स थे कितने मार्क्स है कितने डेट ऑफ बर्थ है. लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है हायर लेवल सेकंड 10+2 पोस्ट का नाम है CR आपका 10120 कैटेगरी है आपके 9 कैंडिडेट अवेलेबल है 40 मार्क्स 163.47102 पार्ट ए में गया है 40.5 पार्ट बी में गया 32.5 डेट ऑफ बर्थ लास्ट गई 5/0/2/1998. दोस्तों आप देख लीजिए ये सेंट्रल रीजन का मैंने एक बता दिया एग्जाम्पल दिया इसके सारे सेंट्रल रीजन के आप कैंडिडेट का आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज सेंट्रल रीजन ये वेस्टर्न रीजन फिर ये कर्नाटका MP नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ रीजन ऐसे करके आप पूरा चेक कर लीजिए और मैं आप नेक्स्ट चलता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा वेस्टर्न रेल रीजन. नेक्स्ट है दोस्तों एनेक्शन 2 ये रीजनल सेंटर्स का आपका एड्रेस दिया है जिस रीजनल सेंटर से आपने एग्ज़ाम दिया भरा है कैटेगरी भरी है उसी रीजनल सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है. ये ईस्टर्न रीजन का सेंट्रल रीजन का कर्नाटका केरला रीजन का मध्य प्रदेश रीजन का नॉर्थ ईस्ट रीजन का नॉर्थ रीजन का ये सारे एड्रेस आपको चेक कर लेना है और ये आपको SSC की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ये PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ एक नए नोटिफिकेशन के साथ. अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. धन्यवाद. जय हिंद. जय भारत.